चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। इसमें हम लोग कक्षा 10वीं की विज्ञान के बारे में बात कर रहे थे। इसमें आपके 11 चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं और आज बात करेंगे 12वें चैप्टर के बारे में, विद्युत के बारे में। ठीक है, इससे पहले आपकी जितनी भी क्लासें ली गई हैं एनसीईआरटी से संबंधित, वो सभी एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची बनाई हुई है उसी में डली हुई है। ठीक है, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। और ये सभी बुक्स वो कंप्लीट की जा रही हैं जो आपकी सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जा रहा है। ठीक है, विद्युत, आप लोग देखते होंगे कि आज के समय में नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान दिया जा रहा है, यानी कि कहने का मतलब है कि आप जानते हैं कि पेट्रोल हो, फिर चाहे कच्चा तेल कोई भी हो, डीजल हो, आप देखेंगे एक कुछ समय के बाद कोयला भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएंगे, तो उस समय उसके बाद भी तुम्हारे सामने विद्युत के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए हम ऐसी ऊर्जा यानी कि विद्युत पर ध्यान दे रहे हैं जो मानव की जिंदगी के साथ चलती रहे। जैसे आप सोचिए, सूर्य ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, या फिर जल से बनाने वाली विद्युत हो गई, या फिर आप देखेंगे पवन ऊर्जा हो गई। ये ऐसी ऊर्जा है कि आप समझिए कि जब तक धरती रहेगी, यानी कि मानव जिंदगी जब तक रहेगी तब तक ये भी रहेगी। ठीक है, विद्युत का आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह घरों, विद्यालयों, अस्पतालों, उद्योगों तथा ऐसे ही अन्य संस्थानों के विविध उपयोगों के लिए एक नियंत्रित कर सकने योग्य और सुविधाजनक ऊर्जा का रूप है। वह क्या है जिससे विद्युत बनती है? किसी विद्युत परिपथ में यह कैसे प्रवाहित होती है? वह कौन से कारक हैं जो किसी विद्युत परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित अथवा नियमित करते हैं? इस अध्याय में हम इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हम विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रवाह और इसके अनुपयोगों पर भी चर्चा करेंगे, यानी कि उपयोगों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विद्युत धारा और परिपथ की। हम वायु धारा और जल धारा से परिचित हैं। हम जानते हैं कि बहते हुए जल से नदियों में जल धारा बनती है, और इसी प्रकार यदि विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रवाहित होता है, उदाहरण के लिए किसी धातु के तार में से, तब हम कह सकते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। क्या है? विद्युत धारा है। हम जानते हैं किसी टॉर्च में सेल अथवा बैटरी जब उचित क्रम में रखे जाते हैं तब टॉर्च बल्ब को दीप्ति के लिए आवेश का प्रवाह अथवा विद्युत धारा प्रदान की जाती है, और आप जानते हैं कि टॉर्च का बल्ब जल जाता है। हमने यह भी देखा है कि टॉर्च तभी प्रकाश देती है जब उसमें उसके स्विच को ऑन करते हैं, यानी कि करंट को चालू करते हैं। एक तरह से स्विच क्या कार्य करता है? स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध जोड़ता है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं हम लोग। अब यदि परिपथ कहीं से टूट जाए अथवा टॉर्च के स्विच को ऑफ कर दें तो विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है और बल्ब दीप्ति नहीं, यानी कि नहीं जलता है। आप भी देखते होंगे कहीं आपके शॉर्ट आ जाता है कहीं आपकी वायर में, तो आपके घर की लाइट भी बंद हो जाती है, फिर आप लोग क्या करते हैं? उसे सुधारते हैं। तो इसी तरह की बात है। हम विद्युत धारा को कैसे व्यक्त करते हैं? विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। उन परिपथों में जिनमें धातु के तार उपयोग होते हैं, आवेशों के प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। तथापि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया गया था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया था, और धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना गया। परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों जो ऋणावेश है के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। आप ही खुद सोचिए, इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं दिखाई दे रहा हो आपको जो समझ में ना आ रहा हो। इसीलिए कहता हूं बार बार कि आप लोग अपने आप से कुछ ये सभी बुक्स पढ़ सकते हैं। बहुत ही सीधे साधे शब्दों में लिखी गई है और आपको आराम से समझ में आ जाएगी अगर आप एक से दो बार पढ़ते हैं आराम से ध्यान रखकर। तो इसलिए आपकी टेलीग्राम पर सभी बुक्स डाल दी गई हैं, और आपकी प्रॉब्लम इतनी ही थी कि आप कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी, कहाँ मिलेंगी नहीं मिलेंगी, तो ये सभी टेलीग्राम पर डाल दिए। अब अपने आप से पढ़ सकते हैं, और मैंने जो कहा था कि सभी कंप्लीट करवा दूंगा तो कक्षा 6वीं से कंप्लीट करवा देंगी और 12वीं तक मैं करवा दूंगा, लेकिन मुझे खुद लगता है कि इसमें क्या समझाया जाए। ठीक है, लेकिन इतना बता देता हूं कि इसमें जो भी टॉपिक में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरह से पढ़ना है, इतना बता सकता हूं। ठीक है, अगर आपको लगता है कहीं परेशानी हो रही है तो आप बताइए, उसे भी हम लोग समाधान करेंगे उसका। यदि किसी चालक की सीमा चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय टी में
नेट आवेश क्यू प्रवाहित होता है तो उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाह विद्युत धारा आई को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, आई बराबर आप देखेंगे क्यू अपॉन टी। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है, इसी पॉइंट को इस तरह के पॉइंट आपको याद रखना है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है जो लगभग आप देखेंगे 6×10^18 इलेक्ट्रॉनों में समावेश आवेश का तुल होता है। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6×10^-19 सी यानी कि कूलॉम आवेश होता है। विद्युत धारा को एक मात्रक जिसे एम्पियर कहते हैं हम लोग, विद्युत धारा का ये भी एक तरह से मात्रक है, एम्पियर भी मैं व्यक्त किया जाता है। इस मात्रक का नाम आंद्रे मैरी एम्पियर, इनका जीवन रहा है 1775 से 1836, इन्हीं के नाम के इस तरह से यानी कि एम्पियर रख दिया। इसे ए से आप लोग व्यक्त भी करते हैं। ए फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और एक एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड एक कूलॉम आवेश के प्रवाह से होता है, और अर्थात एक एम्पियर बराबर एक कूलॉम प्रति एक सेकंड। अल्प परिणाम की विद्युत धारा को मिली एम्पियर अथवा माइक्रो एम्पियर में व्यक्त करते हैं। परिपथ की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे हम लोग एमीमीटर कहते हैं। विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एमीमीटर। इसे सदैव जिस पथ में विद्युत धारा मापी जाती है उसके सड़ी क्रम में संयोजित यानी जोड़ देते हैं। चित्र 12.1 में प्रतीकात्मक विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख दिखाया गया है जिसमें एक सेल, एक विद्युत बल्ब, एक एमीटर तथा प्लग कुंजी जुड़े हैं। ध्यान दीजिए कि परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल तक बल्ब और एमीमीटर से होकर प्रवाहित होती है। इस तरह की आप भी देखते होंगे, सेलों पर भी आपको दिखाई देता होगा प्लस और माइनस चिन्ह, ठीक है। एक सेल, एक विद्युत बल्ब, एक एमीमीटर और एक प्लग कुंजी से मिलकर बने विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख है, ठीक है। कूलाम, एम्पियर, इसे भी देख लीजिए उदाहरण को। वैसे आपसे डायरेक्ट उदाहरण कभी पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी याद रखिए, किसी विद्युत बल के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रभावित होती है। विद्युत परिपथ में से प्रभावित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात करना है आपको। हमें दिया क्या गया है, आप देखेंगे हमें आई बराबर 0.5 और एम्पियर दिया गया है और ए इसमें और टी बराबर 10 मिनट दिया गया है टाइम समय यानी कि 600 सेकंड। समीकरण से इस तरह से आपने देखा होगा ऊपर ये इसका समीकरण है, एक तरह से सूत्र है, इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक। ये जो आपने ऊपर टॉपिक देखा है उसी से संबंधित क्वेश्चन है, इन्हें भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं तार के भीतर आवेशों का प्रवाह, कोई धातु विद्युत चालन कैसे करती है। आप सोचते होंगे कि निम्न ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को किसी ठोस चालक से गुजरने में बहुत कठिनाई होती है। ठोस के भीतर परमाणु एक दूसरे के साथ संकुलित होते हैं और इनके बीच बहुत कम स्थान होता है, परंतु यह पाया गया है कि इलेक्ट्रॉन किसी आदर्श ठोस क्रिस्टल से बिना रुकावट ठीक वैसे ही आसानी से यात्रा कर लेते हैं जैसे कि वे निर्वात में हो। तदापि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की गति रिक्त स्थान में आवेशों की गति से बहुत भिन्न होती है। जब किसी चालक से कोई स्थायी धारा प्रवाह होती है तब उसके भीतर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत अपवाह चाल से गति करते हैं। किसी प्रारूपी कॉपर के तार के लिए जिससे कोई लघु विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इस अपवाह चाल का परिकलन किया जा सकता है और यह वास्तव में अत्यंत अल्प 1 मिलीमीटर प्रति सेकेंड कोटि की पाई जाती है। फिर ऐसा क्यों है कि हमारे स्विच ऑन करते ही विद्युत बल्ब प्रदान यानी कि प्रकाश देने लगता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि विद्युत धारा केवल अब तब आरंभ हो जब कोई इलेक्ट्रॉन विद्युत आपूर्ति के एक टर्मिनल से स्वयं चलकर बल्ब से होते हुए दूसरे टर्मिनल तक पहुंचे, क्योंकि किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों का भौतिक अपवाह एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। विद्युत धारा प्रवाहित होने की यथार्थ प्रक्रिया जो प्रकाश की चाल के लगभग समान चाल से होती है मंत्रमुग्ध करने वाली है, परंतु इस पुस्तक के कार्यक्षेत्र से बाहर है। क्या आप उच्च स्तर पर इस प्रश्न की गहराई तक पहुंचना चाहते हैं। अब बात करते हैं विद्युत विभव और विभवांतर, ये भी काफी बार आप सुनते रहते होंगे। वह क्या है जो विद्युत आवेश को प्रवाहित कराता है। आइए जल के प्रवाह से सादृश्य के आधार पर इसका विचार करते हैं। किसी कॉपर के तार से आवेश स्वयं प्रवाहित
नहीं होते। ठीक वैसे ही जैसे किसी आदर्श क्षेत्र नली से जल प्रवाहित नहीं होता है। यदि नल के एक सिरे को किसी उच्च तल पर रखे जल टैंक से जोड़ दें, जैसे नली नली के दो सिरों के बीच कोई दाबांतर बन जाए, तो नली के मुक्त सिरे से जल बाहर की ओर प्रवाहित होता है। किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह के लिए वास्तव में गुरुत्व बल का की कोई भूमिका नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, वैभव में यह अंतर एक या फिर अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है। ऐसा उस समय भी होता है जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती है। जब सेल को किसी चालक परिपथ अवयव से संयोजित करते हैं, तो विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। ठीक है, दो बिंदुओं के अगर बीच के विभवांतर की बात करें, भी से इसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, किया गया कार्य अपॉन इसमें बटे आवेश, इस तरह से आप दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकाल सकते हैं। इसे आप लोग सूत्र के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं, V बराबर W अपॉन Q। ठीक है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक की बात करें तो वोल्ट है। क्या है, वोल्ट है, जिसे इटली के भौतिक विज्ञानी अलेसांदो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। याद रखिए, क्या रहता है कि वनडे एग्जाम में भी कई बार आपका प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मात्रक पूछ लेते हैं, तो इन सभी के मात्रक जरूर याद रखना आप लोग। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अपॉन 1 कूलम, इसे इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं आप लोग। 1 वोल्ट 1 जूल कूलम ऋणात्मक। विभवांतर की माप एक यंत्र की द्वारा की जाती है, जिसे आप लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं जिसके बीच विभवांतर मापना होता है। यहाँ आप देखते हैं, एक उदाहरण भी दिया गया है। 12 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। विभवांतर V बराबर 12 वोल्ट हो गया कि दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित आवेश का परिणाम Q यानी कि 2 कूलम है। इस प्रकार आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य समीकरण 12.2 जो आप लोगों ने ऊपर देखा था, उसमें जैसे ही आप मान रखेंगे इसका आप निकाल लेंगे 24 जूल। ठीक है, इन्हें भी देख सकते हैं इन क्वेश्चंस को आप लोग। अब बात करते हैं विद्युत परिपथ आरेख की। हम जानते हैं कि वही विद्युत परिपथ जैसा कि चित्र 12.1 में हम लोगों ने दिखाया है, एक सेल अथवा एक बैटरी, एक प्लग कुंजी, विद्युत अवयव अथवा अवयवों तथा संयोजी तारों से मिलकर बनता है। विद्युत परिपथों का प्रयास ऐसा व्यवस्था आरेख खींचना सुविधाजनक होता है, जिसे परिपथ के विभिन्न अवयवों को सुविधाजनक प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है। सारणी 12.1 में सामान्य उपयोग में आने वाले कुछ विद्युत अवयवों को निरूपित करने वाली रोड प्रतीक दिए गए हैं। विद्युत परिपथों में सामान्य उपयोग होने वाली कुछ अवयवों की प्रतीक है विद्युत सेल, या आप देखते होंगे प्लस माइनस, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, तो आप इस तरह देखते होंगे प्रतीक है, खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच, बंद की बात करें तो इस तरह तार संधि, बिना संधि के तार क्रॉसिंग, विद्युत बल्ब, प्रतिरोधक, परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक, एमीटर, वोल्टमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं ओम का नियम। आप लोगों ने बचपन में काफी ओम का नियम पढ़ा होगा। ठीक है, क्या किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उससे प्रवाहित विद्युत धारा के बीच कोई संबंध है? आइए इस क्रियाकलाप द्वारा इसकी छानबीन करते हैं। एक बात और याद रखिए, क्रियाकलाप को केवल आपको पढ़ना है और निकल जाना है। नीचे क्रियाकलाप के बाद नीचे जो पॉइंट दिए रहते हैं उन्हें जरूर पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि क्रियाकलाप आपको करते नहीं बैठना है। ठीक है, चित्र 12.3 में देखिए, दिखाए अनुसार एक परिपथ तैयार कीजिए। इस परिपथ में लगभग 0.5 मीटर लंबा निक्रोम का तार XY 1 एमीटर, एमीटर 1 वोल्ट मीटर
और चार सेल जिसमें प्रत्येक में 1.5 वोल्ट का हो, जोड़िए निक्रोम, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन की एक मिश्र धातु। इस तरह से ओम के नियम के अध्ययन के लिए विद्युत परिपथ। सबसे पहले परिपथ में विद्युत धारा के स्रोत के रूप में केवल एक सेल का उपयोग कीजिए। परिपथ में निक्रोम तार एक्स वाई से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के लिए एमीटर का पाठ्यांक आई, तार के स्रों के बीच विभवांतर के लिए वोल्टमीटर का पाठ्यांक भी लीजिए। इन्हें दी गई सारणी में लिखिए। इसके पश्चात परिपथ में दो सेल जोड़िए और निक्रोम के तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर का मान ज्ञात करके करने के एमीटर और वोल्टमीटर के पाठ्यांक नोट कीजिए। उपयुक्त चरणों को पहले 3 सेल और फिर 4 सेलों के परिपथ को परिपथ में पृथक पृथक लगाइए और दोहराइए। विभवांतर भी और विद्युत धारा आई के प्रत्येक युगल के लिए अनुपात भी अपॉन आई परिकल्पित कीजिए। बी तथा आई के बीच ग्राफ खींचिए और इस ग्राफ की प्रकृति प्रेक्षण कीजिए। आप देखेंगे अगर आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे होते तो आपको पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा और आप सभी इनके आंसर भी दे सकते थे, लेकिन मैंने बोला है ना कि आपके पास इतना समय नहीं है, आप लोग बस 1 से 2 बार पढ़िए और निकल जाइए। मैंने आपको इसलिए रहता है कि आपको एक सामान्य जानकारी हो जाए। आप देखते हैं इतिहास हो, फिर चाहे आपकी भूगोल हो या आपका संविधान हो या आपकी अर्थव्यवस्था हो, उसमें बड़ा मजा आता है आप लोगों को पढ़ने में। और देखिए हम भी साइंस से उतना ही एक तरह से परिचित हैं जितने कि आप परिचित हैं। ज्यादा ना तो मुझे आती है साइंस, ना ही कोई ज्ञाता नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन जो जरूरी थी वो बता दिए गए आपको। इस क्रियाकलाप में आप देखेंगे कि प्रत्येक प्रकरण में बी अपॉन आई का लगभग एक ही मान प्राप्त होता है। इस प्रकार बी आई ग्राफ चित्र 12.3 में दिखाए अनुसार मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा होती है। इस प्रकार बी आई एक नियत अनुपात है। इस तरह से विभवांतर और धारा ए। 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का मान ताप समान रहना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो भी इसमें अनुपात थी आपका व्युत्क्रमात अनुपात क्या होता है, ए आपका आई वी अपॉन आई बराबर नेतांक आर, ठीक है। समीकरण आप देखेंगे 12.5 में किसी दिए गए धातु के लिए दिए गए ताप पर आर एक नेतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का यह गुण है कि वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का प्रतिरोध विरोध करता है और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है। इसे ग्रीक भाषा के शब्द ओम से निरूपित करते हैं। इस तरह से ओम के नियम के अनुसार अगर बात करें तो आर बराबर वी अपॉन आई। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर एक भी है तो इससे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तब उस चालक का प्रतिरोध देखने को मिलेगा आर नेतांक और 1 ओम होता है। इसमें 1 ओम बराबर 1 वोल्ट यानी कि 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। समीकरण 12.5 से हमें यह संबंध भी प्राप्त होता है। इस तरह से समीकरण 12.7 से स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। व्यवहार में कई बार किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को घटाना या अथवा बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्राय एक युक्ति का उपयोग करते हैं जिसे हम लोग धारा नियंत्रक कहते हैं। अब हम नीचे एक क्रियाकलाप की सहायता से किसी चालक की इसकी सहायता से क्रियाकलाप 12.2 इसे केवल पढ़िए। आप लोग ज्यादा टेंशन मत लीजिए। एक निक्रोम तार, एक टॉर्च बल्ब, एक 10 वोल्ट का बल्ब और एक एमीमीटर, एक प्लग कुंजी और एक कुछ संयोजी तार लीजिए। 400 सेलों प्रत्येक 1.5 वोल्ट का को श्रेणी में क्रम में एमीमीटर से संयोजित करके चित्र 12.4 में दिखाए अनुसार परिपथ के एक अंतराल में एक्स वाई जोड़ छोड़कर एक परिपथ बनाइए। इस तरह से निक्रोम तार हो गया, 10 वोल्ट का बल्ब हो गया वाट का, और एक टॉर्च बल्ब हो गया।
अंतराल एक्स वाई में निक्रोम तार को जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए, कुंजी लगाइए और रेमीमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। प्लग से कुंजी बाहर निकालिए। ध्यान रहे कि परिपथ की धारा मापने के पश्चात सदैव ही प्लग से कुंजी बाहर निकालिए। निक्रोम तार के स्थान पर लगभग स्थान पर अंतराल एक्स वाई में टॉर्च बल्ब को परिपथ में जोड़िए और एमीमीटर का पाठ्यांक लेकर बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा मापिए। अंतराल एक्स वाई में विभिन्न अवयवों को जोड़ने पर एमीमीटर के पाठ्यांक भिन्न भिन्न है। उपयुक्त प्रेक्षण क्या संकेत देते हैं? आप अंतराल एक्स वाई में किसी भी पदार्थ का अवयव जोड़कर इस क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में एमीमीटर के पाठ्यांक का प्रेक्षण कीजिए और इन प्रेक्षणों का विश्लेषण कीजिए। सबसे जरूरी रहता है कि इस क्रियाकलाप को पढ़ने के बाद नीचे जो पॉइंट, ये पॉइंट आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। इस क्रियाकलाप में हम यह अवलोकन करते हैं कि विभिन्न अवयवों के लिए विद्युत धारा भिन्न है या भिन्न क्यों है। कुछ अवयव विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सरल पथ प्रदान करते हैं जबकि अन्य इस प्रवाह का विरोध करते हैं। हम यह जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की किसी परिपथ में गति के कारण ही परिपथ में कोई विद्युत धारा बनती है। तदापि चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए पूर्णता स्वतंत्र नहीं होते। जिन परमाणुओं के बीच ये गति करते हैं उन्हीं के आकर्षण के द्वारा इनकी गति नियंत्रित हो जाती है। इस प्रकार किसी चालक से होकर इलेक्ट्रॉनों की गति उसके प्रतिरोध द्वारा मंद हो जाती है और एक साइज के चालकों में वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है अधिक अच्छा चालक होता है। वह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है प्रतिरोधक कहलाता है। सर्वसम साइज का वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है हीन चालक कहलाता है। समान साइज का कोई विद्युत रोधी इससे भी अधिक प्रतिरोध लगाता है। इसे भी जान लेते हैं, ये भी आपका टॉपिक। वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है कौन से कारक हैं? क्रियाकलाप 12.3 को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। एक सेल एक एमीमीटर एल लंबाई का एक निक्रोम तार जैसे एक द्वारा चिन्हित किया गया है यहाँ, और एक प्लग कुंजी जिसे चित्र 12.5 में दिखाकर अनुसार जोड़कर एक परिपथ पूरा कीजिए। इसमें उन कारकों जिन पर किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है का अध्ययन करने के लिए विद्युत परिपथ। आप प्लग में कुंजी लगाइए और एमीमीटर में विद्युत धारा नोट कीजिए। इस निक्रोम तार को अन्य निक्रोम तार से प्रतिस्थापित कीजिए जिसकी मोटाई समान परंतु लंबाई दोगुनी हो और 2L यानी कि 2 लंबाई तार लीजिए जिसे चित्र 12.5 में 2 से चिन्हित कीजिए। यहाँ एमीमीटर का पाठ्यांक नोट करना है। अब इस तार को समान लंबाई L के निक्रोम के मोटे तार 3 से चिन्हित, यहाँ जो 3 दिया गया है, से प्रतिस्थापित कीजिए। मोटे तार की अनुपस्थित काट का क्षेत्रफल अधिक होता है। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा फिर नोट कीजिए। निक्रोम तार के स्थान पर तांबे का तार चित्र 12.5 में जिस पर चिन्ह 4 इसकी बात करो चिन्ह 4 बनाए परिपथ में जोड़िए। मान लीजिए कि तार निक्रोम के तार जिस पर एक चिन्हित है के बराबर लंबा तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का है। विद्युत धारा का मान नोट कीजिए। प्रत्येक प्रकरण में विद्युत धारा के मानों में अंतर को ध्यान से देखिए। क्या विद्युत धारा चालक की लंबाई पर निर्भर करती है? क्या विद्युत धारा उपयोग किए जाने वाले तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है? ठीक है, तो इस क्रियाकलाप को आपने जैसे ही पढ़ा इसे जरूर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसे आपको जरूर ध्यान देना है। यह पाया जाता है कि जब तार की लंबाई दोगुनी कर देते हैं तो एमीमीटर का पाठ्यांक आधा हो जाता है। क्या? तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीमीटर का पाठ्यांक आधा हो जाता है। परिपथ में समान पदार्थ तथा समान लंबाई का मोटा तार जोड़ने पर एमीटर का पाठ्यांक बढ़ जाता है। एमीटर के पाठ्यांक में तब भी अंतर आता है जब परिपथ में भिन्न पदार्थ परंतु समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार को जोड़ते हैं, यानी कि अलग अलग पदार्थ के तार को। ओम के नियम को अनुपयोग करने पर हम यह पाते हैं कि किसी चालक के प्रतिरोध, चालक की लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। परिशुद्ध माप यह दर्शाते हैं किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती है और उसकी अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस तरह से ये अनुक्रमानुपाती और ये आपकी व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। समीकरणों 12.8 और 12.9 को संयोजित करने पर हमें प्राप्त होता है इस तरह से। यहाँ आपको ये दिख रहा है ना पी आकार का, इसे रो कहते हैं। अनुपातिकता स्थिरांक है
जिसे चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, ठीक है। और यदि किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, जिसका परस्पर 10^-8 ओम मीटर से 10^-6 ओम मीटर है, ये विद्युत की अच्छी चालक होती है। रबड़ तथा कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता 10^12 और 10^17 ओम मीटर कोटि की होती है। किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। सारणी की बात करें तो 12.2 में हम यह देखते हैं कि व्यापक रूप से में मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता और उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन दहन नहीं होता है। यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत स्त्री टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में तो एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, जबकि कॉपर और एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। यहाँ सारणी में कुछ आपके 12.2 में 20°C पर कुछ पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता की बात की गई है। ये चालक होगी, ये मिश्र धातु है नीचे, ये पदार्थ और प्रतिरोध ओम में है, ठीक है। सिल्वर की बात करें तो 1.60×10^-8 ओम मीटर में। कॉपर की देखें तो 1.62×10^8। एल्यूमिनियम की बात करें तो 2.63×10^-8। टंगस्टन की बात करें तो 5.20×10^-8। निकेल की बात करें तो 6.84×10^-8। आयरन की बात करें तो 10.0×10^-8। क्रोमियम की बात करें तो 12.9×10^-8। मरकरी की बात करें तो 94.0×10^-8 ओम मीटर। मैग्नीज की बात करें तो 1.84×10^-6। ये मिश्र धातु है तो कंस्टेंटन इसकी है CU और निकल की मिश्र धातु है, ठीक है। और इसकी 49×10^-6 और यहाँ मैग्नीज की भी दी गई है, ठीक है। विद्युत रोधी कांच कठोर एबोनाइट डायमंड। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस आपको याद रखना होगा, थोड़े बहुत अगर बन सकते हैं, वरना इस तरह के क्वेश्चन कम ही आते हैं, ठीक है। आप इसलिए बोल रहा हूँ कि कम से कम 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपको इन मानों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इन मानों का उपयोग आप आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए कर सकते हैं। याद रखिए आंकिक क्वेश्चन अभी तक तो आपकी परीक्षाओं में देखने को आपको नहीं मिलते होंगे, ठीक है। एक कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए काफी रहता है, इस तरह के क्वेश्चन देखते होंगे आप लोग, देखते रहना आप लोग, PDF आपकी टेलीग्राम पर डाल दिए, ठीक है। इस तरह के उदाहरण, ये तो वैसे ही है, आप लोग मैथ लगाते थे ना, उसके बाद आपको दिखते थे, ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें भी आप लोग आराम से बैठ के देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। पिछले अनुभाग में हमने कुछ सरल विद्युत परिवर्तनों के बारे में सीखा है। हमने यह देखा है कि किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान किस प्रकार उसके प्रतिरोध तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर पर निर्भर करता है। विविध प्रकार के विद्युत उपकरणों यथा तथा युक्तियों में हम पर्याप्त प्रतिरोधकों के विविध संयोजन देखते हैं। इसलिए अब हमें यह विचार करना है कि प्रतिरोधकों के संयोजन पर ओम के नियम को किस प्रकार अनुपयुक्त किया जा सकता है। प्रतिरोधकों के परस्पर संयोजित करने की दो विधियां होती हैं। चित्र 12.6 में एक विद्युत परिपथ दिखाया गया है आपको, जिसमें R1, R2 और R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा गया है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रतिरोधकों के संयोजन का सरणीक्रम संयोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरणीक्रम संयोजन। चित्र 12.7 में प्रतिरोधकों के का एक ऐसा संयोजन दिखाया गया जिसमें 3 प्रतिरोधक एक साथ बिंदुओं X से Y के बीच संयोजित हैं। प्रतिरोधक के इस प्रकार के संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन कहा जाता है, इस तरह, ठीक है। ये आप देखते थे कि जब आपको इसकी परिभाषा लिखनी होगी तब आप इनकी चित्र बना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की परिभाषा आपकी प्रीलिम्स में पूछे जाए या मेंस में पूछने की संभावना है, ठीक है। या इतना पूछ सकता है कि सैणी में जो लगे रहते हैं उन्हें सैणी क्रम कहते हैं, ठीक है। चित्र बनाने के लिए मुझे नहीं लगता है कि, लेकिन 10th में जो पढ़ता होगा उनके लिए ये जरूरी रहता है। फिर आपका सैणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक की बात करें, जब कई प्रतिरोधकों को सैणी क्रम में संयोजित करते हैं तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का क्या होता है, उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है।
आइए इसे निम्नलिखित क्रियाकलाप की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 12.4 विभिन्न मानों की तीन प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़िए। चित्र 12.6 में दिखाए अनुसार इन्हें एक बैटरी, एक एमीमीटर और एक प्लग कुंजी में से संयोजित कीजिए। आप 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम आदि मानों के प्रतिरोधकों का उपयोग कर सकते हैं और इस क्रियाकलाप के लिए 6 वोल्ट की बैटरी उपयोग में ला सकते हैं। कुंजी को प्लग में लगाइए तथा एमीमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। एमीटर की स्थिति को 2 प्रतिरोधकों के बीच कहीं भी परिवर्तित कर सकते हैं। हम एक बार एमीमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। क्या आप एमीमीटर के द्वारा विद्युत धारा के मान में कोई अंतर पाते हैं? इसके बाद जो आपका नीचे दिया रहता है इसे जरूर पढ़ लिया करेगा। आप यह देखेंगे कि एमीमीटर में विद्युत धारा का मान वही रहता है या परिपथ में एमीमीटर की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। इसका तात्पर्य है कि प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ के हर भाग में विद्युत धारा समान होती है, अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसे भी देख लेते हैं क्रियाकलाप 12.5 को। क्रियाकलाप 12.4 में चित्र 12.6 में दिखाए अनुसार तीन प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन के सिरों एक्स वाई के बीच एक वोल्टमीटर लगाइए। इस तरह परिपथ में प्लग में कुंजी लगाइए और तथा बोल्ट का पाठ्यांक नोट कीजिए। इससे हमें श्रेणी क्रम संयोजन के सिरे के बीच विभवांतर ज्ञात होता है। मान लीजिए कि यह भी है, बोल्ट है। अब बैटरी के दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर नोट कीजिए। इन दोनों मानों की तुलना कीजिए। प्लग किए से कुंजी निकालिए और वोल्ट मीटर को भी परिपथ से हटा दीजिए। आप वोल्ट मीटर को चित्र 12.8 में दिखाए अनुसार पहले प्रतिरोधक के सिरों एक्स तथा पी के बीच जोड़िए। प्लग में कुंजी लगाइए और पहले प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर मापिए। मान लीजिए कि यह V1 है। इस प्रकार अन्य 2 प्रतिरोधकों के सिरों के बीच पृथक पृथक विभवांतर मापिए। मान लीजिए कि मान क्रमश आपको V2 और V3 है। V1, V2 और V3 के बीच संबंध व्युत्पन्न कीजिए। इसके बाद आप लोगों ने क्रियाकलाप पढ़ लिया है। जरूरी सूचना यहाँ रहती है आपकी। आप यह देखेंगे कि विभवांतर भी अन्य तीन विभवांतर V1, V2, V3 की योग के बराबर होता है, यानी कि इन तीनों का मान V के बराबर होगा। अर्थात प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम संयोजन के सिरों के बीच कुल विभवांतर वृष्टिगत प्रतिरोधकों के विभवांतर की योग के बराबर होता है, यानी कि एक तरफ आपका V बराबर है और इन तीनों के बराबर, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए चित्र 12.8 में विद्युत में दर्शाए गए परिपथ में विद्युत प्रवाहित विद्युत धारा आई है, तब प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा भी आई है। श्रेणी क्रम में जुड़े इन तीनों प्रतिरोधकों को एक ऐसे तुल्य एकल प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध आर है के द्वारा प्रतिस्थापित करना संभव है, जिसे परिपथ में जोड़ने पर इसके सिरों पर प्रतिरोध भी और परिपथ में प्रवाहित धारा आई हो वही रहती है। समस्त परिपथ पर ओम का नियम अनुपयुक्त करने पर हमें प्राप्त होता है V = IR। तीनों प्रतिरोधकों पर पृथक पृथक ओम का नियम अनुपयोग करने पर हमें इस तरह से प्राप्त होगी, ठीक है। समीकरण 12.11 ऐसी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हमें यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब बहुत से प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो संयोजन का कुल प्रतिरोध R1, R2, R3 के योग के बराबर होता है। इस प्रकार संयोजन का प्रतिरोध किसी भी व्यष्टिगत प्रतिरोधक के प्रतिरोध से अधिक होता है। अब आप समझ गए होंगे कि मुझे लगता है कि बड़ी बोरिंग है आप देखिए साइंस। अगर आप प्रैक्टिकल करके उपयोग करते हैं, पूरा क्रियाकलाप आपके सामने प्रैक्टिकल रहता है तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आता है। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसे में आप लोगों को बड़ी बोरिंग लगती होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपके पास हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये उदाहरण है, इन्हें भी आप लोग देखते रहिए। मुझे लगता है केवल परिभाषाएं आपको एक तरह से इनके शब्द जो है उनके बारे में मालूम होना चाहिए और निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसीलिए आपकी पढ़ने की सलाह भी दी जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक की। आइए अब चित्र 12.7 में दिखाए अनुसार जोड़े गए सेलों के एक संयोजन अथवा बैटरी से पार्श्व क्रम में संयोजित तीन प्रतिरोधकों की व्यवस्था कीजिए। इस तरह से तीन प्रतिरोधकों जिनमें प्रतिरोधक क्रमशः R1, R2 और R3 है का पार्श्व संयोजन XY बनाइए। XY R1, R2, R3 और चित्र 12.10 में दिखाए अनुसार इस संयोजन को एक बैटरी, एक प्लग कुंजी और एक एमीमीटर से संयोजित कीजिए। प्रतिरोधकों के संयोजन के पार्श्व क्रम में एक वोल्ट मीटर भी संयोजित कीजिए। प्लग में कुंजी लगाइए और एमीमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। मान लीजिए कि विद्युत धारा का मान आई है और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक भी नोट कीजिए। इससे पार्श्व संयोजन के सिरों के बीच विभवांतर भी प्राप्त होता है। प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर भी है
और इसकी जांच प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर पृथक पृथक वोल्टमीटर संयोजित करने की करके की जा सकती है। कुंजी से प्लग बाहर निकालिए, परिपथ में से एमीमीटर और वोल्टमीटर निकालिए और चित्र 12.11 में दिखाए गए इस तरह से अनुसार एमीमीटर को प्रतिरोध आर से श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए और एमीमीटर का पाठ्यांक आई नोट कीजिए। इस प्रकार R1 R2 में प्रवाहित होने वाली धारा भी मापी और माना इसका मान आपको क्रमशः I1 I2 है। I1 I2 और I3 में क्या संबंध होगा, अब इन्हें छोड़िए, आप लोग इन्हें जरूर देख लिया करिएगा। यह पाया जाता है कि कुल विद्युत धारा I संयोजन की प्रत्येक धारा में प्रवाहित होने वाली पृथक धाराओं के योग के बराबर होता है। इस तरह से मान लीजिए कि प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RP है और प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन पर ओम का नियम लागू करने पर हमें प्राप्त क्या होगा, I बराबर V/RP। प्रत्येक प्रतिरोध पर ओम का नियम लागू करेंगे तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। समीकरण 12.15 और 12.17 से हमें क्या प्राप्त होगा, V/RP और बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 अथवा इसे इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पार्श्व क्रम में से संयोजित प्रतिरोधों के समूह के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ये उदाहरण दिया गया है, इसे भी आप लोग देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ज्यादा, ठीक है। आपको लगता है कि आपको देखना है तो देखते रहिए। हमने देखा कि किसी श्रेणीबद्ध विद्युत परिपथ में शुरू से अंत तक विद्युत धारा नियत रहती है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से यह व्यवहारिक नहीं है कि हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब अथवा विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करें। इसका कारण है कि इन्हें उचित प्रकार से कार्य करने के लिए अत्यधिक भिन्न मानों की विद्युत धाराओं की आवश्यकता होती है और श्रेणीबद्ध परिपथ से एक प्रमुख हानि यह होती है कि जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है और परिपथ का अन्य कोई अवयव कार्य नहीं कर पाता है। यदि आपने त्योहारों, विवाह, उत्सव आदि पर भवनों की सजावट में बल्बों की सजावटी लड़ियों का उपयोग होते देखा होगा तो आपने बिजली मिस्त्री को परिपथ में खराबी वाले स्थान को ढूंढने में काफी समय खर्च करते हुए देखा होगा कि कैसे वह फ्यूज बल्ब को ढूंढने में सभी बल्बों की जांच करता है, खराब बल्बों को बदलता है। इससे विपरीत पार्श्व परिपथ में विद्युत धारा विभिन्न विद्युत साधितों में विभाजित हो जाती है। पार्श्व परिपथ में कुल प्रतिरोध समीकरण के अनुसार घटता है। यह विशेष रूप से तब अधिक सहायक होता है जब साधितों के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं और इन्हें उचित रूप से कार्य करने के लिए भिन्न विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है कि आप सोचिए कि एक ही एक से दूसरे में कनेक्ट रहती है, इसलिए आप देखते हैं कि एक के टूट जाने से पूरा बंद हो जाता है। एक तरह से आप लोगों ने झालर भी देखी होगी, दीपावली पर आप लोग लगाते हैं तो उसमें भी इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब बात करते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव की। अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि बैटरी अथवा सेल विद्युत ऊर्जा के स्रोत है। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है जो बैटरी से संयोजित किसी प्रतिरोधक अथवा प्रतिरोधकों के किसी निकाय में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की गति में गति स्थापित करता है। हमने अनुभाग 12.2 में यह अध्ययन किया है कि परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए स्रोत को अपनी ऊर्जा खर्च करते रहना पड़ता है। यह ऊर्जा कहाँ चली जाती है, विद्युत धारा बनाए रखने में खर्च हुई स्रोत की ऊर्जा का कुछ भाग उपयोगी कार्य करने जैसे पंखे पंखुड़ियों को घुमाना में उपयोग हो जाती है। स्रोत की ऊर्जा का शेष भाग उस ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च होता है जो संधित्तों की ताप में वृद्धि करती है और इसका प्रेक्षण हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी विद्युत पंखे को निरंतर काफी समय तक चलाते हैं तो वह गर्म हो जाता है। इसके विपरीत यदि देखें हम लोग तो यदि विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है अर्थात बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का एक समूह ही संयोजित है तो स्रोतों का ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है रहती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हम लोग कहते हैं। इस प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर विद्युत स्त्री जैसी युक्तियों में हम लोग करते हैं। प्रतिरोध आर के किसी प्रतिरोधक पर विचार कीजिए जिससे विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए कि इसके सिरों के बीच विभवांतर भी है और मान लीजिए कि इसमें समय टी में क्यू आवेश प्रवाहित होता है तो क्यू आवेश विभवांतर भी से प्रभावित होने में किया गया कार्य भी क्यू है। अतः स्रोत को समय टी में भी क्यू ऊर्जा की आपूर्ति करनी चाहिए
अतः स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति की बात करें, इस तरह से ये सूत्र आपका निकल आया, पी बराबर वी अपॉन क्यू अपॉन टी, ठीक है, वी आई। अर्थात समय टी में स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा पी इंटू टी है, जो वी आई टी के बराबर है। स्रोत द्वारा खर्च की जाने वाली इस ऊर्जा का क्या होता है? यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रतिरोधक में क्षय हो जाती है। इस प्रकार किसी स्थायी विद्युत धारा आई द्वारा समय टी में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा है, एच बराबर आपकी ये वी आई टी। ओम का नियम समीकरण 12.5 लागू करने पर यहाँ आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल का तापन नियम कहते हैं। इस नियम से यह स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा दिए गए प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, और दी गई विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती और उस समय की अनुक्रमानुपाती होती है जिसके लिए दिए गए प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। व्यवहारिक परिस्थितियों में जब एक विद्युत संदिग्ध को किसी ज्ञात वोल्ट का स्रोत से संयोजित करते हैं, तो संबंध आई बराबर वी अपॉन आर के द्वारा उस संदिग्ध से प्रभावित विद्युत धारा परिकल्पित करने के पश्चात समीकरण का उपयोग करते हैं। ये आप देख रहे होंगे, चित्र देख रहे होंगे, विशुद्ध प्रतिरोधक विद्युत परिपथ में अपरिवर्तनशील विद्युत धारा, ये आपके उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये किसी भी कारण से जल्दी खत्म करनी है, फिर आप देखेंगे हिस्ट्री होगी, फिर पॉलिटी होगी, आपकी कुछ भी होगी, उसमें बड़ा मजा आएगा, उसमें समझाने में भी मजा आता है, ठीक है। यहाँ क्या समझाया जाए, आपके सामने सब कुछ दिया गया है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अगर अनुपयोग की बात करें हम लोग, तो किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा का अवश्य भावी परिणाम है। बहुत सी स्थितियों में यह अवांछनीय होता है, क्योंकि वह उपयोगी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में रूपांतरित कर देता है। विद्युत परिपथ में अपरिहार्य तापन परिपथ के अवयवों के ताप में वृद्धि कर सकता है, जिससे उनके गुणों में परिवर्तन हो सकता है। विद्युत स्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली और विद्युत हीटर जूल के तापन पर आधारित कुछ सुपरिचित युक्तियां हैं। विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता है, जैसा कि हम विद्युत बल्ब में देखते हैं। यहाँ पर बल्ब के तंतु को ऊष्मा उत्पन्न ऊष्मा को जितना संभव हो सके रोके रखना चाहिए, ताकि वह अत्यंत तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करे। इसे इतने उच्च ताप पर पिघलाना नहीं चाहिए। बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन यानी कि गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस का उपयोग किया जाता है। आप टंगस्टन का तार सुनते होंगे, बल्ब के तंतुओं में क्या रहता है, टंगस्टन, जो उच्च गलनांक की एक प्रबल धातु है। विद्युत रोधी टैग का उपयोग करके तंतु को यथासंभव ताप विलगित बनाना चाहिए। फिर आप बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है, आप सोचिए, और ऑक्सीजन भर जाए तो वो जलेगा ही नहीं कुछ। हाल ही आप जैसे ही उसमें विद्युत चालू करेंगे, आप लोग तुरंत वो फ्यूज हो जाएगा, जिससे उसके तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। तंतु द्वारा उपयुक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, परंतु इसका एक अल्प भाग विकृत विकास के रूप में भी दृष्टिगोचर होता है। आप सोचिए कि जब बल्ब को एक तरह से फोड़ दीजिए, फिर आप जला के देखिए, मुझे नहीं लगता है कि जलेगा। जूल तापन का एक और सामान्य उपयोग विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाले फ्यूज, यानी कि आप देखते हैं कम होती रहती लाइट, ज्यादा होती रहती, तो एक अपने उपकरणों को सुविधाजनक बनाने के लिए यानी कि सुरक्षा देने के लिए इनका उपयोग करते हैं। क्या रहता है कि इससे लाइट खराब आ रही है आपकी विद्युत, तो वो गिर जाता है, फ्यूज उड़ जाता है और आपकी सुरक्षा बनी रहती है। आजकल घरों में आप देखते भी होंगे। यदि परिपथ तथा संदिग्धों की सुरक्षा किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा को उसमें प्रवाहित ना होकर होने देकर करता है, फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। फ्यूज किसी ऐसी धातु अथवा मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक होता है, उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड आदि का हो सकता है। यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो फ्यूज तार के ताप में वृद्धि होती है, इससे फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है और आपके उपकरणों को सुरक्षा दे देता है। फ्यूज तार प्रायः धातु के सिरे वाले पोर्सेनेल अथवा इसी प्रकार की विद्युत रोधी पदार्थ के कार्टिज में रखा जाता है। घरेलू परिपथों में उपयोग होने वाली फ्यूज की अनुमत विद्युत धारा 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 10A आदि होती है। उस विद्युत स्त्री के परिपथ में जो 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति उस समय उपयोग करती है, इसे आप 220 वोल्ट पर पिछले विचालित करते हैं। यहाँ आप देखेंगे 1000 वोल्ट
1000 वाट और 220 वाट बराबर यहाँ देखने का आपको 4.54 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकरण में 5 एम्पियर अनुमतांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है। लास्ट में हम लोग बात करते हैं विद्युत शक्ति के बारे में भी देख लेते हैं। आपने अपनी पहली पिछली कक्षा में अध्ययन किया था कि कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के उपभोग होने की दर को भी हम लोग शक्ति कहते हैं। एक तरह से साधारण आपकी शक्ति की परिभाषा हो चुकी है आपके लिए। समीकरण 12.21 से हमें किसी विद्युत परिपथ में उपयुक्त अथवा छेद विद्युत ऊर्जा की दर प्राप्त होती है, इसे विद्युत शक्ति भी हम लोग कहते हैं। शक्ति पी को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, पी बराबर वी आई, या इसी तरह से भी लिख सकते हैं पी बराबर आई स्क्वायर आर। ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक की अगर बात करें तो वाट है। इसका एसआई मात्रक क्या है? वाट। यदि उस युक्ति द्वारा उपयुक्त शक्ति के जिसमें उस समय 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उसे एक विभवांतर पर प्रचालित कराया जाता है। इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, वाट शक्ति का छोटा मात्रक है। वाट शक्ति का क्या है? छोटा मात्रक। अतः वास्तविक व्यवहार में हम इसके काफी बड़े मात्रक किलोवाट का उपयोग करते हैं। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। चूंकि विद्युत ऊर्जा शक्ति तथा समय का गुणनफल होता है, इसलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा होता है। जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक होता है तो उपयुक्त ऊर्जा 1 वाट घंटा होती है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा है, जिसे सामान्यतः आप बोलचाल में यूनिट कहते हैं। आप देखते ना कि 1 यूनिट का इतना पैसा लगता है, आप लोग सब जानते होंगे। ठीक है, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन उपभोक्त होते हैं। यह गलत है। हम विद्युत बोर्ड अथवा विद्युत कंपनी को विद्युत बल्ब, विद्युत पंखे तथा इंजन आदि जैसे विद्युत संदिग्धों से इलेक्ट्रॉनों को गति देने के लिए प्रदान की जाने वाली विद्युत ऊर्जा का भुगतान करते हैं। हम अपने द्वारा उपयुक्त उपभोक्त ऊर्जा के लिए भुगतान भी करते हैं। इन उदाहरणों को भी देखते रहिएगा अगर आपका मन लग रहा है इसमें तो। लेकिन सबसे अच्छी बात भी ये है आपकी साइंस में कि आपको लास्ट में निष्कर्ष बता दिया जाता है, एक तरह से कि ये आपको पढ़ा है। क्या क्या पढ़ लिया है? किसी चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉनों की धारा विद्युत धारा की रचना करती है। परिपाटी के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक आप लोग एम्पियर है। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए हम किसी सेल अथवा बैटरी का उपयोग करते हैं। सेल अपने सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है, इसे विभवांतर को वोल्ट भी में मापते हैं। प्रतिरोध एक ऐसा गुणधर्म है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह का विरोध करता है या विद्युत धारा के परिणाम को नियंत्रित भी करता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक आपका ओम है, इसे इस तरह से चिन्ह से व्यक्त करते हैं। ओम के नियम की बात करें तो किसी प्रतिरोध रोधक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, परंतु एक शर्त यह है कि प्रतिरोधक का ताप समान रहना चाहिए। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर सीधे उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर प्रतिलोमता निर्भर करता है और इस पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि जिससे वह बना होता है। श्रेणी क्रम में संयोजित बहुत से प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध उनके दृष्टिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समुच्चय का तुल्य प्रतिरोध आरपी निम्नलिखित संबंध व्यक्त करता है। इस तरह से किसी प्रतिरोधक में क्षेत्र अथवा उपभुक्त ऊर्जा को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं आप लोग। और विद्युत शक्ति का वाट की बात करें तो इसका मात्रक वाट है। जब 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो परिपथ में उपयुक्त शक्ति 1 वाट होती है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट होता है, जिसे यूनिट भी आप लोग कह देते हैं। ठीक, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। ये अभ्यास के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें भी आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डल रही हुई है, वहीं से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो ये आपका था 12वां चैप्टर। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव के बारे में। ये 2-3 चैप्टर आपके विद्युत धारा से संबंधित है। ठीक है,